हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पठान को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की आने वाली फिल्म फाइटर को लेकर के। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 25 जनवरी को फाइटर रिलीज होने जा रही है एंड लास्ट 25 जनवरी को रिलीज हुई थी पठान, जिसने दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और एक नया इतिहास रच दिया था। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई जिन्होंने पठान की जैसा ही ताबड़तोड़ कलेक्शन किया। जवान आई, गदर 2 आई, अभी एनी विल भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। हालांकि वो अभी पठान के कलेक्शन को टच नहीं कर पाई है, लेकिन अच्छा कर रही है। लेकिन इतना बड़ा कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म सिद्धार्थ आनंद की पठान बनी और वही डायरेक्टर अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं फाइटर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि फाइटर उतनी सक्सेसफुल हो पाएगी जितने की पठान रही थी, क्योंकि ये जो दोस्तों नाम है सिद्धार्थ आनंद, अभी ये एक ब्रांड बन चुका है। जैसे कि एसएस राजामौली का नाम चलता है, जब उनकी फिल्में आती हैं तो ऑडियंस हीरो नहीं देखती है, एक्टर नहीं देखती है, बल्कि डायरेक्टर देखती है। जैसे कि राजकुमार हिरानी हो गए थे, पब्लिक डायरेक्टर का नाम सुन के ही थिएटर चली जाती है। तो वैसे ही एक बड़ा नाम हो गया आज एक्शन फिल्मों में सिद्धार्थ आनंद का। अब सिद्धार्थ आनंद जो भी फिल्म बनाएंगे उनका कॉम्पिटिशन उनसे ही रहेगा। लास्ट उन्होंने फिल्म बनाई पठान, उससे पहले वॉर 2 बनाई, उससे पहले बैंग बैंग जैसी एक्शन फिल्में बनाई और हर एक फिल्म के साथ उनके एक्शन का ग्राफ बढ़ता गया है। तो अभी देखना यह होगा कि फाइटर के साथ वो कितना अपना ग्राफ को, अपने एक्शन के ग्राफ को कितना ऊपर लेके जाएंगे और उसका एक्शन किस लेवल पे होगा और उसकी कहानी क्या रहेगी। दोस्तों देखिए, जो सिद्धार्थ आनंद की फिल्में होती हैं उसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट या यूनिक नहीं होती, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन बहुत कमाल का होता है। तो देखना होगा कि ये एक अलग तरीके की फिल्म बना दी है उन्होंने फाइटर। अभी तक इंडिया में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी थी। हालांकि कंगना रनौत की एक फिल्म आई, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी, उसका इतना बज नहीं था। लेकिन ये जो पहली फिल्म हम कह सकते हैं कि जो कि इतने बड़े लेवल पे बन रही है, एक फाइटर जेट को लेकर के किस तरीके की फाइट होगी, किस तरीके का इसमें एक्शन होगा, ये सब दोस्तों देखने वाला होगा। और दोस्तों, इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक के साथ होने वाला है। दोस्तों उसकी बात हम नहीं कर सकते, उसके साथ हम इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं पठान के साथ, बैंग बैंग के साथ या वॉर के साथ। तो दोस्तों, ये देखना हो कि एक बार फिर से सिद्धार्थ आनंद वही कामयाबी अपनी दोहरा सकते हैं जो कि उन्होंने पठान के टाइम पे की थी। क्योंकि अब दोस्तों जितनी भी फिल्म आएंगी सबका कंपैरिजन कहीं ना कहीं पठान से होना है, क्योंकि पठान ने दोस्तों वो रिकॉर्ड बना दिया है जो कि नॉर्मली कोई फिल्में नहीं तोड़ सकती, जो कि ऐसी वैसी फिल्म कोई भी उसके आसपास नहीं पहुंच सकती। आप जानते हैं कि एनिमल कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, कितना बड़ा उसने कलेक्शन किया, उसके स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने काफी बड़े बड़े कलेक्शन किए, लेकिन वो पठान तक नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, हर एक फिल्म का अभी कंपैरिजन पठान के साथ होगा और पठान ने जो कलेक्शन किया है उसमें दोस्तों केवल सिद्धार्थ आनंद का हाथ नहीं था, कहीं शाहरुख खान का बड़ा हाथ था। और यहाँ पर भी दोस्तों सिद्धार्थ आनंद एक बड़ा डायरेक्टर तो है ही, साथ में ऋतिक रोशन भी दोस्तों एक बहुत बड़े, अपने आप में एक सुपरस्टार तो नहीं है, लेकिन अपने आप में उनका बहुत बड़ा नाम है। एक एक्शन फिल्मों में लोग पसंद करते हैं ऋतिक रोशन को देखना। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख के बताओ क्या आप एक बार फिर से सिद्धार्थ आनंद के नाम पे फर्स्ट शो देखना जाओगे या फिर रिव्यू का इंतजार करोगे। जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लेके बताना। एना कल दोस्तों, मैं इतना शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।